ओके गाइस, अब हम फ्रेजेस की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रिटर्न में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। जॉइन ईच ऑफ दीज पेयर्स मेकिंग वन सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेजेस। अब हमें जो दो सेंटेंस दिए हुए हैं इसको एक में कन्वर्ट करना है, मतलब एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि ऊपर नीचे फर्स्ट में दिया हुआ है आई स्टूड बाय द विंडो, ये फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास आई वॉच द ट्रैफिक। तो इसको हमें एक फ्रेज में, एक सेंटेंस में चेंज करना है। स्टैंडिंग बाय द विंडो आई वॉच द ट्रैफिक, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास द गर्ल्स रन अक्रॉस द फील्ड दे वर लाफिंग मेरिली। तो आपको उसको एक ही फ्रेज में करना है, लाफिंग मेरिली द गर्ल्स रन अक्रॉस द फील्ड, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास जॉन ले ऑन द सोफा, जॉन जो है वो सोफा पे लेटा, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन देख रहा था। नेक्स्ट आपको करना है एक फ्रेज में इसको चेंज करना है, लेइंग ऑन द सोफा जॉन वॉच टेलीविजन, इज दैट क्लियर? द पुलिस मैन पुट हिज हैंड, ही स्टॉप्ड द ट्रैफिक। आपको उसको एक फ्रेज में चेंज करना है तो कुछ इस तरीके से होगा, पुटिंग अप हिज हैंड द पुलिस मैन स्टॉप द ट्रैफिक, बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है आई वॉज गोइंग इनटू द पोस्ट ऑफिस आई मेड एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। तो आपको उसको चेंज करना है, गोइंग इन टू द पोस्ट ऑफिस आई मेड एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट है आपके पास रेमन स्टेड एट होम ऑल द इवनिंग, ही वॉज प्रिपेरिंग फॉर द नेक्स्ट डेज एग्जामिनेशंस। तो आपको उसको इस तरीके से करना है, स्टेइंग एट होम ऑल द इवनिंग रेमन वॉज प्रिपेरिंग फॉर द नेक्स्ट डेज एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर 4.3, स्ट्रक्चर यूनिट 4.3, स्ट्रक्चर 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसके साथ साथ या तो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बल। नीचे टेबल दिया हुआ है, उसके ज़रिए हमें जो है वो सेंटेंसेस को बनाना है। अब जिस तरीके से मैंने किया हुआ है, द बॉय हैड एन एप्पल ड्यूरिंग लंच, इसी तरह आपको बुक में निशान इसको निशानात के ज़रिए सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास जसवंत कट अ केक दिस मॉर्निंग, एंड द लास्ट हमारे पास है जो ही एंड शी एट अ पाई जस्ट नाउ, इज दैट क्लियर? रिटर्न एक्सरसाइज में हमारे पास ए में जो दिया हुआ मैच द सेंटेंसेस इन टू कॉलम, हमारे पास टू कॉलम, दो कॉलम दिए हुए हैं, उसको मैच करना है। मिस्टर ली इज ड्राइवर, ही ड्राइव्स द स्कूल बस एवरी डे, माय नेबर इज अ ब्यूचर, मीट इज सोल्ड बाय हिम इन द मार्केट, मुई फंग्स मदर इज अ टेलर, She makes beautiful clothes for her. He has been a good pilot. He flies aircraft carefully all the time. Sandy works as a farmer. He grows the best vegetables available. He grows the best vegetable available. Next hamare paas hai Moe Moe has a modern kitchen. She has more than enough pots and pans in her kitchen. Last time our pass, her uncle has lived in Indonesia for many years. He speaks and writes Malaya very well. Ab hum next activity ki taraf, next exercise ki taraf move karenge. Exercise B. हमें इसमें जो है वो फिल करना है ब्लैंक्स को वर्ब नाउन और एडवर्बल के साथ, ठीक है बच्चे? फर्स्ट है हमारे पास कासिम डेश न्यू बाइसिकल, कासिम बाउट न्यू बाइसिकल। टूरिस्ट स्पेंड्स मच मनी, द बॉय ब्लू अ बिग बलून जस्ट नाउ,
मैनी पीपल हैव कलर टेलीविजन सेट्स इन देयर हाउस इन देयर होम. नेक्स्ट है आपके पास, अ पार्टी वॉज गिवन बाय जेनेट फॉर यस्टरडे. सिक्स्थ है आपके पास, जेनेट्स मदर कुक्ड फिश. कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. एवरीबडी एट हैप्पीली. नेक्स्ट है आपके पास, देयर वॉज आइसक्रीम शॉप फॉर मैनी ईयर्स. नेक्स्ट है आपके पास, एवरी वन ऑफ द गेस्ट एंजॉयड पार्टी यस्टरडे. नेक्स्ट है आपके पास, दे थैंक्ड मिसेस फॉर इनविटेशन. तो ये थी हमारा लास्ट एक्सरसाइज. मज़ीद आपको नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू भेज दी जाएंगी. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. होप यू ऑल द बेस्ट.